उसको। ये देखिए पत्थर जो दिख रहे होंगे ना मेरे पीछे, ये दिख रहे हैं, इसको लगाने के लिए मतलब ये है कि यहाँ पर गाय बछड़े सांड नहीं बैठे और गोबर गंदगी नहीं करेंगे। लोग इतने वो हो चुके हैं यहाँ रहने वाले, मैं वो वाला एरिया दिखाना है कि साहब गोबर कर देती है, इस वजह से इस वजह से ये पत्थर डाले गए हैं ताकि ये बैठे नहीं, ये गलत है। जानवरों को भी इतने ही अधिकार है जितना आपको और मेरा है इस पृथ्वी पर। पत्थर डालने वाले यहीं के लोग हैं ताकि गोबर से गंदगी ना हो, और ये नहीं, ये लोग यहाँ के जो ये रहने वाले हैं सामने की लाइन जो दिख रही है, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ रहें क्योंकि साहब गोबर होती है, गंदगी होती है, वैसे हमारी गौ माता है। और ये देखिए कितना गलत डिसीजन हम लोगों का, अब क्या कहेंगे ऐसी दृष्टि के लिए आप, यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये मेरे एरिए की गाय बछड़े हैं जिनके कोई मालिक नहीं है, इसमें गाय भी दिख रही होगी, कुछ पालतू भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो गाय दूध नहीं देती। देखिए इनके आगे बैठने की समस्या आ गई क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, यहाँ तेज़ गर्मी पड़ती है। अब ये देखिए इतना से पेड़ के नीचे ये बैठी हुई हैं, तो हम पशु प्रेमियों को पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए क्योंकि पशु पक्षी से पेड़ भी जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए धूप में बैठी हुई हैं, ये देखिए चारों तरफ मकान है, कहाँ जाएंगे, ये देखिए वो देखिए छाया में वो खड़ी हुई है सामने, ये देखिए धूप में बैठी हुई, तो पेड़ भी लगाने चाहिए। मैं अभी ऐसे ही यहीं खड़ा था तो ये गाय बछड़े देखे मैंने इतने सारे, ये देखिए पेड़ की छाँव में बैठे हुए और आधे धूप में, तो थोड़ा सा पेड़ पौधों की तरफ भी लगाने की सोचें, हर पशु प्रेमी का कर्तव्य होना चाहिए।